काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भैया बनारस में, तो बंगाल स्वीट हाउस को पूछना ही नहीं है, काफ़ी जम की भीड़ है जैसा देख रहे हैं आप लोग। और मिठाई लेना भी असंभव लग रहा है जैसे। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ की मिठाई हम लेके कुछ खा लें और जाने से इस बात के बारे में। जय महादेव। कौन सा मीठा है ये मीठा कौन सा, पर हम मिठाई खा के देखना हमको। छेना है, जामुन है, रसगुल्ला। बढ़िया मिठाई कौन सा आपके? फिर कदम है। फिर कदम कौन सा देखो जो बढ़िया एक खिलाओ, दो सेटअप निकालो। दो पीस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है इसका? क्या? मलाई भोग। मलाई भोग। तो दुकान वकान का नाम नहीं है क्या? है। क्या नाम है? यदुवंशी स्वीट हाउस। क्या नाम है? यदुवंशी स्वीट हाउस। यदुवंशी, ये मरवाड़ी क्षेत्र में यदुवंशी स्वीट हाउस का मिठाई है, दिवाली के शुभ अवसर पर जो है। क्या मिठाई का नाम बताया था इसका? मलाई भोग। तो खासतौर से जो है कि मरवाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन के पास ही दुकान है। यदुवंशी मिठाई जो है स्वीट हाउस है, ये दिवाली के शुभ अवसर पर जो है ये मलाई भोग इनका है, काफ़ी बढ़िया है जैसा बता रहे हैं। जिसको खाकर देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। जो है मिठाई का दुकान है, पड़ता है आज उनका मिठाई खाकर देखेंगे। ये जो है कि लाइव वो है, खासतौर से देखते हैं कैसा अच्छा स्वाद है कैसा नहीं है। चलिए खाकर देखते हैं जो है कि अदवंशी मिठाई स्वीट हाउस के पास लाइव वो खाते हैं हम लोग। क्या बहाना है? बढ़िया है मिठाई यदुवंशी जी का, काफ़ी जो है कि खाने में रसदार भी है, मज़ेदार भी है। मुरवाड़ी क्षेत्र का यदुवंशी जी का मिठाई तो बढ़िया है, जो बेच रहे हैं करीब 300 रुपये किलो है ये मिठा। मजा आ गया, बढ़िया मस्त हो गया, सारा दिन खुश हो गया, बढ़िया मिठाई है करता तो। लाजवाब है, मस्त है, बेटर है, और जो है कि रस भरा हुआ है, पर ताज़ी मिठाई मिलता है यहाँ दोस्तों जी का, खास बहुत बढ़िया है। दिवाली के शुभ अवसर पर जो है मिठाई का स्टॉक लगाए हुए हैं, आप ले सकते हैं, और प्रैक्टिकली मतलब सही मिठाई है इनका। कैसे किलो चला रहे हैं भैया? कैसे किलो मीठा है? मिक्स वाला मिठाई कैसे चला रहे हैं? कैसे किलो? 240। 240। बंगाल स्वीट हाउस में तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ मिठाई लेना भी बहुत आसान नहीं है, काफ़ी भीड़ चल रहा है इसमें। Thank you.
भीड़ है यहाँ पर भैया बनारस में तो बंगाल स्वीट हाउस को पूछना ही नहीं है, काफ़ी जम की भीड़ है जैसा देख रहे हैं आप लोग। और मिठाई लेना भी असंभव लग रहा है जैसे, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ की मिठाई हम ले कर कुछ खा लें और जाने से इस बात के बारे में। जय महादेव। ये बनारस का ये हाल है मिठाई का, दिवाली के दिन का समय का है ये। जामुन दो जगह भी ना। कैसे किलो बिठा भैया आपके यहाँ कैसे चल रहा है? 260 रुपये। कानमनी स्वीट हाउस है खासतौर से, ये नरिया क्षेत्र पड़ रहा है। 260 रुपये किलो है। दो टे मीठा निकालिए बढ़िया इसमें से, खाने के लिए दो मीठा निकालो। एक किलो लड्डू दे दीजिए। जो बढ़िया मीठा वही दो, दो दो मीठा क्या चीज़ है सर? दो मीठा निकाल दीजिए बढ़िया वाला, खाने वाला। खाने के लिए क्या रसगुल्ला देते सर? जो आप यहाँ बेस्ट लगे वही दीजिए हमको, दो मीठा। यहाँ काफ़ी भीड़ है इस तरह से, यहाँ पर कंदमनी जो है स्वीट हाउस है, दिवाली के शुभ अवसर पर काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। ये बनारस का मतलब जो है कि फेमस जगह है, नरिया जगह पर है दुकान इनका। 240 रुपये किलो प्रति मिक्स मिठाई है। चलिए मिठाई खाते हैं, देखते हैं कंदमनी का अच्छा दो मीठा बढ़िया मिठा दीजिए आप। बूंदी लड्डू भूला नहीं, बूंदी लड्डू नहीं अभी ना कर। तना बहुत हम लोग बनाते थोड़े हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मिठाई बनती है, कोई बहुत हाई फाई दुकान तो है नहीं। नहीं, दिवाली की मतलब ये रसगुल्ला बना कैसे पीस दे रहे हैं? दिवाली पर रसगुल्ला क्या, बस हल्का सा बनता है, कुछ लोग ले जाते हैं। 14 रुपये पीस है। 14 रुपये पीस है। ये मास्क उस लगवा नहीं रहे हैं लोगों को, जो आपके कारीगर मास्क नहीं लगाए हैं? हाँ साहब मास्क तो नहीं, ये बहुत जरूरी है, मास्क लगवाइए आप। ये तरीका गलत से मतलब ना, वही चीज़ देखते हैं लोग ना समाचार में। आप बस मास्क कोशिश करके लगवा दीजिए आप, बेटर है, आप देंगे नहीं। सुनील यादव। हाँ, अभी की दुकान है कादम्बनी जी। थैंक यू, बस ध्यान दीजिए। ओके थैंक यू। नाइट ठीक है। पानी हाउस है, खास तौर से नरिया पड़ता है और यहाँ का मीठा खा के देखते हैं। ये जो रसगुल्ला है यहाँ का, दिवाली मतलब दुकान लगाए हैं अपना और मतलब कि देखते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर भी है। ये रसगुल्ला खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। ये कादम्बनी स्वीट हाउस है और धर्मपुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों जो है कि आज मैं कादम्बनी हाउस में आया हूँ, अब आज मैं रसगुल्ला जाऊँ और रसगुल्ला में खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। चलिए खा के देखते हैं हम लोग। ये है स्वाद बढ़िया है। 240 रुपये किलो है रसगुल्ला, जो है 14 रुपये का एक पीस है, बड़ा भी है सही भी है। ये बनारस का मतलब फेमस दुकान है यहाँ पर नरिया का और यहाँ पर भी आप पाकिस्तान देख सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये 14 रुपया प्रति पीस है। स्वाद बढ़िया है और खाने में स्वाद बढ़िया है, इतना अच्छा काम नहीं है। दुकान से मिलना है बढ़िया है, बात कर सकते हैं। स्वाद भूलने का कहने की जरूरत नहीं है, केवल का मिठा है। क्या नाम है मिठाई की दुकान का नाम? शुभम स्वीट हाउस। लिखा तो नहीं कहीं, कहीं बोर्ड लगा है? शुभम स्वीट हाउस कौन सा जगह है ये? खुजवा कृष्णदेव नगर कॉलोनी, कृष्णदेव नगर कॉलोनी खुजवा में हम आए हैं और शुभम स्वीट हाउस में इनका मिठाई देखते हैं कैसा है। और ये खुजवा बाज़ार है खासतौर से देखने जिसमें, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये खुजवा बाज़ार है खासतौर से। आपके यहाँ कौन से मीठा बढ़िया है? आपका निकल निकालिए, दो पीस निकलवाइए, जो बढ़िया मीठा दो पीस निकलवाइए। कैसे किलो चला रहा है मीठा इस समय? 240 रुपये के जी है। मिक्स मिक्स है, हाँ। दो सौ मीठा निकलवाइए, बढ़िया निकलवाइए। दो सौ 240 रुपये किलो मीठा मिक्स दे रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, जो बढ़िया मीठा वही दीवाई। शुभम स्वीट हाउस, हाँ, खोजवा बाजार है कृष्ण नगर कॉलोनी। दो सौ 240 रुपये किलो है जी, हाँ 240 रुपये किलो। ये शुभम स्वीट हाउस है खासतौर से, यहाँ जो मीठा बिक रहा है 240 रुपये किलो है खासतौर से। यहाँ पर 240 रुपये किलो आजकल की इनका मीठा खाते हैं किस डे जो है कि किस कॉलोनी का है। यहाँ पर चलिए चल के देखते हैं कैसा मीठा यहाँ का है। शुभम स्वीट हाउस है भैया, मीठा ये मीठा है इनका खासतौर से, आप देख रहे हैं। कौन मीठा, क्या नाम है उसका? मलाई चप है। थोड़ा सा आप लोग इतना ध्यान रखिए कि नहीं, मास्क का प्रयोग जरूर कराइए, ट्राई करो, उसे मास्क जरूर लगवाइए। आप भले उस समय न लगाए ना, आप तो लगवाइए कम से कम। समाचार में जब जाता है तो ये सब देखते लोग हैं, इसमें खुद कोरोना काल में फैलने वाला है, जो एक बार ध्यान रखिए आप लोग। ये मलाई चप है, हम स्वीट हाउस का है, ये खुजवा बाजार है खास में, टीच कॉलोनी का है ये। ये खुजवा बाजार जो है पड़ता है और ये नरिया के पास अंदर क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ आपको ये दुकान मिलेगा। इनका मलाई चाप खा के देखते हैं कैसा स्वाद है, यानी खाते हैं दोस्तों। और मलाई चाप यहाँ का दो सौ 240 रुपये किलो है मिक्स में, लेकिन जैसा मीठा देख रहे हैं इतना रस भरा हुआ, रस इतना जितना होना चाहिए उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी कायदे का है, चीनी की मात्रा कुछ ज़्यादा इसमें है। फिर भी कुछ हद तक ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मलाई चप भी है। मिक्स में था दो 40 रुपये किलो,
धर्मपुरी के पास स्वागत है। खासतौर से इनका जो है चीनी की मात्रा सब कम होना चाहिए, चीनी की मात्रा ज़्यादा लग रहा है। ये भी ठीक है, बस कर रही है, फोटो ले। कागजी जो है कौन सा स्थान है ये खुजमा? दुकान क्या नाम है? दुकान क्या नाम है? बबुल सिंह हाउस। मास्क उस लगा लीजिए आप लोग। हाँ, कैसे की मीठा चल रहा है आप लोग का? 250 रुपये। मीठा कौन बढ़िया दूध निकालिए उसमें से, जो बढ़िया मीठा वही निकालिएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? बबलू। जो ताज़ा हो तुम दो दीजिए, दो 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 दीजिए, दो पीस दीजिए। दुकान क्या नाम बताए थे? बबलू। बाहर बोर्ड लगा हुआ है? बाहर बोर्ड लगा है? ये खुजमा स्थान है ना? खुजमा, ये खुजमा स्थान का है, बबलू स्वीट हाउस है ये खासतौर से। और ये मीठा का 240 रुपये किलो, 250 रुपये किलो के साथ बेच रहे हैं। ये बबलू जी इनका दुकान है खासतौर से, मतलब 240 रुपया 50 रुपये किलो सब है, मिला के दे रहे हैं ना। कितना किलो माल है तुम? मास उसका प्रयोग करिए आप लोग। कितना किलो है? मास उसका प्रयोग करके रखा करिए। इस मिठाई क्या नाम है? कलाकंद है। ये बबलू जी की दुकान का कलाकंद है, 240 रुपये किलो ये भी है। चलिए खा के देखते हैं कैसा स्वाद है इनका, क्या इसे मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है, चेक करते हैं अभी हम लोग। और इनका देखना मिठाई की वैरायटी देखिए, 240 रुपये किलो दे रहे हैं खास से मीठा। भैया आप अपना आप लोग जरूर मास्क का प्रयोग करिए, मास्क बहुत जरूरी है। कलाकंद मीठा है, देखते तो क्या कैसा है, जाकर भी नहीं है किसी खाए तो भी। कलाकंद मीठा है, ये ताज़ी मीठा तो है आपकी, ताज़ी मीठा है इसमें तो मतलब बासी नहीं और बता नहीं सकते, वो तो ताज़ी एकदम। भैया
बहुत बढ़िया मीठा था यहाँ का, व्यवस्था था उसका, उसका भी बहुत बढ़िया मीठा था। काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और देख रहे हैं यहाँ इतना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अरे आजकल लड्डू रहा भैया का, भैया लड्डू दे दिए, वो दोनों दे दीजिए मिक्स वाले को। मिक्स कैसे बेच रहे हैं? 300 रुपए के जी। 300 रुपए वो लोग 300 में बेच रहे हैं। और दीपावली के लिए आपके शुभकामनाएं आपके लिए, आपको भी हमारी तरफ से सपरिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ हाँ, देख लीजिएगा कभी शांति मिलेगा तो। ये काजू कतली है मीठा, वो कितना सो देख रहे हैं यहाँ पर, ये काजू कतली है, ये 800 रुपये किलो है। चलिए खा के देखते हैं, खा के देखते हैं मैखन भोग का काजू कतली कैसा है। मस्त है, 800 रुपये किलो करीब है ये मीठा, खाने में बहुत मज़ेदार है। खोआ पड़ा हुआ है इसमें, ज़्यादा चीनी बहुत कम मात्रा में इसमें। मस्त है, बहुत बढ़िया बन रहा है खाने में। काजू कतली मीठा था, 800 रुपये किलो करीब था। दिवाली का समय है इस समय, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी। इस दिवाली पर वाराणसी की मिठाइयों का स्वाद तो बहुत ही निराला था दोस्तों, और स्वाद भी मस्त था। यहाँ का मिठाई खाकर तो मज़ा आ गया दोस्तों। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।